दोस्तों, एक जवान कुंवारा लड़का जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा होता है, उसके पास बैंक बैलेंस काफी होती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़के को औरतों की लत लग चुकी होती है। एक औरत के प्यार में वो पागल हो चुका होता है और उस औरत के पीछे वो खूब पैसे लुटाता है। वो जो मांगती थी उसे वो दिया करता था। दोस्तों, वो जो औरत थी वो पैसों की लालची थी। जब वो देखती है कि वो लड़का उसके ऊपर खूब पैसे उड़ा रहा है, तो वो औरत भी अपना पूरा जिस्म उस लड़के के हवाले कर देती है और इस तरह से वो औरत अपना शादीशुदा जिंदगी खुद बर्बाद कर लेती है। अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने हस्बैंड की ही वो अपने पति की ही हत्या करवा देती है। दोस्तों, आज की यह कहानी है एक पारिवारिक कहानी है और ये कहानी दिल दहला देगी जब आप लोग इसे पूरा सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है गुजरात की। दोस्तों, 30 जून 2023 को गुजरात के जिला भरूच के थाना जंबूसर पुलिस को सूचना मिलती है कि पास कहीं गांव के एक नदी में लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले वहां उसी वक्त मौके पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो वाकई में वहां एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकालते हैं और आजू बाजू छानबीन करने लगते हैं कि यहाँ कोई सुराग तो नहीं है। दोस्तों, पुलिस वाले वहां छानबीन करते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलती है। और जो वहां पर भीड़ लगी हुई होती है उन सब लोगों से भी पूछते हैं कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं। तो दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग भीड़ लगे हुए होते हैं उसमें से कोई भी नहीं कहता है कि हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ। वो जो लाश होती है वो एकदम अनजान होती है। दोस्तों, उसी वक्त पुलिस वाले उस लाश को वहां से उठवाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले लाश को भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए और पुलिस वाले इधर उधर छानबीन में लग जाते हैं लेकिन पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर जो लाश आती है पोस्टमार्टम के बाद, उस लाश को पुलिस वाले मुर्दा घर में भिजवा देते हैं क्योंकि उस लाश के घर वालों का कोई अता पता ही नहीं चलता है। और पुलिस वाले परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है कि इस लाश का पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं उस जिले के जितने भी थाने होते हैं सभी थाने में फॉर्म करवाते हैं और पूछते हैं कि इस एक हफ्ते के अंदर में क्या किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो दोस्तों, जितने भी आसपास के थाने होते हैं उस जिले के, कहीं से भी कोई खबर नहीं आती है। सभी लोग कहते हैं कि जी नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जब सभी थाने में पुलिस वाले कहते हैं कि एक लगभग 36 से 37 साल का आदमी है जिसकी मृत्यु हो गई है, अब ये डेड बॉडी जो है किसकी है नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके घर वाले कौन है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है और इनका मौत कैसे हुआ है ये भी पता नहीं चल रहा है, शायद इसका किसी ने मर्डर करके ही वहां पर फेंक दिया है। अगर आप लोगों को कोई रिपोर्ट दर्ज करे तो आप लोग हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा क्योंकि लाश हमने मुर्दा घर में रखवा दिया है। दोस्तों, ठीक उसके 10 दिन बीतने के बाद जंबूसर से 400 किलोमीटर दूर बनासकांठा थाना के SHO CP चौधरी साहब जंबूसर पुलिस से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई डेड बॉडी आई है जिसकी उम्र लगभग 36 से 37 साल की होगी। तो दोस्तों, जंबूसर थाना के पुलिस कहते हैं कि जी हाँ, मेरे पास एक डेड बॉडी है जिसकी मैंने पोस्टमार्टम करवा के उसको मुर्दे घर में भिजवा दिए हैं। तो दोस्तों, जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आप अगर कहो तो मैं मुर्दे की फोटो आपको भेज सकता हूँ। तो दोस्तों, वो जो SHO साहब होते हैं CP चौधरी साहब, वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। दोस्तों, फिर जो जंबूसर थाने के जो ऑफिसर होते हैं वो मुर्दा का फोटो भेज देते हैं वहाँ CP चौधरी साहब को। जब वो फोटो देखते हैं तो वो फोटो फिर जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है जो महिला, उनको दिखाते हैं। दोस्तों, जब CP चौधरी साहब उस फोटो को, गुमशुदगी जो दर्ज करवाई हुई महिला थी उसको दिखाते हैं तो वो महिला उसको पहचान लेती है और कहती है कि साहब, ये तो मेरा बेटा शंकर है जो इतने दिनों से लापता है। दोस्तों, दरअसल वो लाश मारवाड़ी पटेल शंकर चौधरी की थी। मारवाड़ी पटेल शंकर जो थे गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और उनकी शादी जो हुई थी 14 साल पहले एक महिला से हुई थी जिस महिला का नाम होता है भावना।
भावना के साथ। उसके घर में उसके माता पिता थे और चार लोगों की फैमिली बहुत ही अच्छी खासी गुजर रही थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जो शंकर थे वो खेतीबाड़ी के अलावा मकान बनाने का भी ठेका लिया करते थे। तो इस तरह से उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। हर चीज घर में अच्छा चल रहा होता है। शादी के लगभग 14 साल गुजर जाते हैं और इसी बीच उनके घर में 3 बच्चों का जन्म होता है, 1 बेटी और 2 बेटे का। लगभग घर में हर चीज अच्छा चल रहा होता है, खुशहाल फैमिली होती है, सभी चीज अच्छा रहता है। दोस्तों 29 जून 2023 को जब शंकर काम से घर लौटकर आता है तो शाम का खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो घर में कहकर निकलता है कि मैं पड़ोस के घर में जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊँगा। दोस्तों जो उसके घर वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है चले जाओ। दोस्तों उस वक्त शंकर अपने घर से निकलता है। उसके बाद काफ़ी वक्त हो जाता है, शंकर घर नहीं लौटता है। तो उसके घर के लोग परेशान हो रहे होते हैं। जो उसकी माता होती है वो बाहर जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन शंकर का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर शंकर के नंबर पर उसकी बीवी कॉल करती है तो उसका नंबर बंद बता रहा होता है। अब इससे सभी घर के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों उसके अगले दिन 30 जून 2023 को जो मीरा देवी होती है शंकर की माँ, वो चली जाती है पुलिस थाने और जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती है, वहाँ के ऑफिसर को कहती है। तो दोस्तों जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं पहले आप 2 दिन देख लीजिए, अगर आपका बेटा नहीं आता है उसके बाद हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। दोस्तों जो मीरा देवी होती है पुलिस की बातों में आकर वो वापस घर आ जाती है। 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतज़ार करती है लेकिन उसके बेटे का कोई अता पता नहीं चलता है। दोस्तों उसके फिर 2 दिनों के बाद फिर से मीरा देवी यानी कि शंकर की माँ चली जाती है थाने में और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे होते हैं। तभी जो वहाँ के मेन ऑफिसर होते हैं सीपी चौधरी साहब वो आ जाते हैं और मीरा देवी से पूछते हैं कि माता जी बताइए क्या बात है। दोस्तों तब जाकर मीरा देवी पूरी बात बताती है। जो वहाँ के सीपी चौधरी साहब होते हैं वो उसी वक्त रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। दोस्तों जो वहाँ के सीपी चौधरी साहब होते हैं वो कुछ ही देर के बाद जाते हैं शंकर के गांव में। पहले शंकर के घर जाते हैं, उसके घर के लोगों से पूछताछ करते हैं और उसके बाद घर के जो आजू बाजू के लोग होते हैं सभी से पूछताछ करने लगते हैं। सभी लोग कुछ न कुछ बताते हैं लेकिन दोस्तों उसी भीड़ में एक आदमी होता है। जब पुलिस वाले वहां से लौट रहे होते हैं तब एक आदमी जाता है वहां पर और ऑफिसर से कहते हैं कि साहब जो शंकर की बीवी है भावना, उसका चरित्र कुछ सही नहीं है, उसका एक लड़के से चक्कर चल रहा है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, जो भावना होती है, उसके फ़ोन को पुलिस वाले ले लेते हैं और उसके फ़ोन को सर्विलांस पे लगाते हैं। दोस्तों जब फ़ोन सर्विलांस पे लगती है उसमें एक नंबर निकल कर आता है और पुलिस वाले जब उस नंबर की ट्रेसिंग करते हैं, उस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं, तो दोस्तों वो नंबर बगल के ही गाँव का निकलता है और वो नंबर होता है शिव पटेल का। और जो शिव पटेल होता है भावना उससे बातें किया करती थी और जिस दिन उसका पति घर से गायब होता है उस दिन उस नंबर से कई बार भावना बात कर चुकी थी। दोस्तों फिर पुलिस वाले पता करते हैं और पुलिस वालों को पता चलता है कि शिव पटेल जो होते हैं 29 जून को अंकलेश्वर से अपने गांव आया था और फिर शंकर को उसने कॉल भी किया था। और दोस्तों उसके बाद 29 जून की ही लोकेशन जब पुलिस वाले निकालते हैं शिव और शंकर की, तो दोनों की लोकेशन एक ही जगह की निकलती है। इस बात से पुलिस वालों को पूरा शक शिव पटेल के ऊपर ही चला जाता है क्योंकि दोनों की लोकेशन एक जगह ही दिखा रही होती है। अब इस चीज़ से पुलिस का पूरा शक चला जाता है शिव पटेल के ऊपर। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं शिव पटेल को ढूंढने में लग जाते हैं और जब शिव पटेल के मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है तो शिव पटेल की मोबाइल की लोकेशन अंकलेश्वर की बता रही होती है। पुलिस वाले अपने टीम के साथ अंकलेश्वर पहुंचते हैं और शिव पटेल को गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। थाने लेकर आने के बाद शिव पटेल से पूछताछ की जाती है। दोस्तों जो शिव पटेल होता है वो बहुत ही चालाक किस्म का लड़का होता है, वो पुलिस वालों को इधर उधर की बातों में घुमा रहा होता है। लेकिन पुलिस वाले भी जब सख्ती बरतते हैं, 1-2 लाठी चार्ज करते हैं, उसके बाद जो शिव पटेल होता है पूरी बातें तोते की तरह उगलने लगता है। दोस्तों शिव पटेल कहता है कि वो भावना को पाने के लिए उसके पति शंकर की हत्या की और उसके बाद शिव पटेल अपनी और भावना की पूरी प्रेम कहानी विस्तार के साथ बताता है।
दोस्तों दरअसल शंकर की शादी 14 साल पहले हो चुकी थी और वो अपने माँ बाप के साथ गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहा था और बिल्डर का काम कर रहा था, जैसे कि मकान वगैरह बनाना उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। इस तरह से उसका घर परिवार चल रहा था और एक गांव के ही बगल में छोटा सा गाँव था, उस गाँव में एक शिव पटेल नाम का लड़का रहता था। उससे शंकर की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जो शंकर होता अपने दोस्त शिव को अक्सर अपने घर लाया करता था। एक ही थाली में बैठकर दोनों खाना खाते थे। एकदम जिगरा दोस्त बन गया था शिव शंकर का। और दोस्तों जो शिव पटेल होता है वो अंकलेश्वर में रहकर अपना बिजनेस कर रहा होता है। उसका जो बिजनेस होता है काफी अच्छा खासा चल रहा होता है और वो शंकर से मालदार होता है, क्योंकि उसकी बिजनेस जो होती है वो काफी हाई क्वालिटी की होती है, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो शिव होता है वो एक यंग लड़का होता है, कुंवारा लड़का होता है। और दोस्तों जब भी शिव पटेल अपने काम से अपने गांव वापस आता अंकलेश्वर से, तो अपने जिगरा यार यानी कि शंकर को अपनी क्रेटा गाड़ी में खूब घुमाया करता था, इधर उधर ले जाया करता था और उसके ऊपर खूब पैसे भी खर्च किया करता था। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन शिव शंकर और उसकी जो बीवी होती है शंकर की भावना, वो लोग सब मिलकर जाते हैं राजस्थान मेला घूमने के लिए, क्योंकि राजस्थान में एक भारी विशाल मेला आया हुआ होता है और वो जो मेला है वो बहुत ही नामी मेला था। इसलिए वो लोग सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और सभी लोग जाते हैं राजस्थान के मेला घूमने के लिए, वो भी जो शिव होता है उसकी क्रेटा गाड़ी से ही वो लोग जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर जाते हैं, वो लोग खूब इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। दोस्तों उसी मेले के दौरान ही जो भावना होती है शिव पटेल से उसका नंबर ले लेती है और शिव पटेल भी भावना से उसका नंबर ले लेता है। उसके बाद वो लोग वहां से वापस होते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शिव पटेल जो होता है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। दोस्तों उसके बाद जो शिव पटेल होता है भावना को कॉल करता है और एक दिन भावना भी शिव पटेल को कॉल करती है। दोस्तों उसके बाद जो दोनों की बातचीत शुरू होती है वो आगे बढ़ती जाती है और दोनों का जो बात का सिलसिला होता है वो प्यार में बदल जाता है। दोस्तों और उसके बाद इन दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आखिर में ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं। जो भावना होती है अपने पति को धोखा देने लगती है। दोस्तों उसके बाद शिव पटेल और भावना का रिश्ता इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। जबकि भावना के 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है बड़ी और 2 बेटा होता है छोटा छोटा। भावना को अपने पति का ख्याल नहीं आता है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता है और भावना के घर में उसकी सास होती है और जो उसके ससुर होते हैं वो बीमार होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, उनको लकवा मार दिया होता है, वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उन सब का भावना को जरा भी ख्याल नहीं आता है और शिव पटेल के पीछे वो पागल हो चुकी होती है। दोस्तों जब भी अगर शंकर से भावना की झगड़ा होती, लड़ाई होती, तो भावना जो होती वो सारा कहानी शिव पटेल को बताया करती थी कि आज मेरे घर में ये हुआ वो हुआ। और जो शिव पटेल होता भावना को खूब पैसे दिया करता था, वो जो मांगती उसे सब दिया करता था, अपना सारा दौलत उसके ऊपर आंख बंद करके लुटाया करता था। और जो भावना थी वो पैसे की लालची थी, जब उसे पैसे मिल रहे थे तो इस कदर से वो शिव पटेल के ऊपर पागल हो गई थी कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और दोस्तों जब भी भावना का उसके पति से झगड़ा होता तो भावना उसके बाद शिव पटेल को कॉल करती और कॉल करके कहती कि तुम मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दो, क्योंकि ये हम दोनों के बीच का कांटा बन चुका है, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरे साथ हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हैं, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जो शिव पटेल होता वो कहता है कि तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, तुम मेरे पास आ जाओ, उसको छोड़ दो। दोस्तों जो भावना थी वो कहती शिव पटेल से कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर सास ससुर हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन सबको छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आ जाऊँ, गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, सब मेरी थू थू करेंगे, इसलिए मैं नहीं आ सकती ऐसे, बस तुम किसी भी तरह मेरे पति को हम दोनों के रास्ते से हटा दो। दोस्तों 28 जून 2023 को शंकर और भावना के बीच में खूब ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई खत्म होती है उसके बाद जो भावना होती है वो शिव पटेल को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि शिव अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो तुम मेरे पति शंकर को हम दोनों के रास्ते से हटा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों जो शिव पटेल होता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द इसका काम तमाम कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखो।
दोस्तों उसके बाद भावना और शिव पटेल मिलकर फोन में ही प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से उसका अंत करना है, किस तरह से उसको रास्ते से हटाना है। और दोस्तों 28 जून को ही शाम के वक्त जो भावना होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है और अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। वो मायके इसलिए जाती है ताकि आगे चल के कुछ भी होगा तो उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इसलिए जो भावना होती है अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। और उसी दिन जो शिव पटेल होता है वो शंकर को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि शंकर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं गांव वापस आ रहा हूं, बस तुम रेडी रहना और जब मैं कॉल करूंगा तो तुम चौक पर आ जाना। तो दोस्तों जो शंकर होता है वो कहता है ठीक है तुम आओ, मैं चौक पर आ जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद रात के लगभग 9 बज चुके होते हैं। जो शंकर होता है खाना वगैरह खाकर घर से निकलता है और घर में ये कहता है कि मैं बगल के ही घर में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा वापस जल्दी। उसके बाद वो अपने घर से निकलता है, शिव पटेल कॉल करता है उसे और चौक पर बुलाता है। जो शंकर होता है वो जाता है चौक पर और शिव पटेल के क्रेटा गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद जो शिव पटेल होता है वो गाड़ी आगे की ओर ले चलता है। दोस्तों जो शिव पटेल होता है वो इस मौके का इंतजार कर रहा होता है कि कब शंकर मुझसे पानी की बोतल मांगेगा पानी पीने के लिए, क्योंकि उस पानी के बोतल में जो शिवकुमार होता है वो नींद की गोली पीस कर मिलाया हुआ होता है, जिसके पीने के बाद ही शंकर बेहोश हो जाए, नींद में चली जाए। लगभग 1 घंटे तक शिव पटेल इधर उधर गाड़ी घुमाता है, जहाँ उसको नहीं जाना होता है वहाँ भी वो जाता है, बस इसी तरह वो आगे जा रहा होता है। दोस्तों ठीक उसके 1 घंटे के बाद ही जो शंकर होता है शिव पटेल से पानी की बोतल मांगता है। दोस्तों जो शिव पटेल होता है तुरंत पानी की बोतल देता है, शंकर पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद वो रिलैक्स फील करता है। दोस्तों पानी पीने के बाद जो शंकर होता है गहरी नींद में चला जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो शिव पटेल होता है गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जिस जगह पर कोई आना जाना ना करे। दोस्तों शिव पटेल गाड़ी से एक रस्सी निकालता है और उस रस्सी को लेकर शंकर के गले में लगा देता है और इतनी जोर से टांगता है कि उसका गला घोट कर वहीं पर मौत हो जाती है। जब वो वहाँ पर अपने दम तोड़ देता है उसके बाद शिव पटेल उसको आगे की सीट पर बैठाता है और इस तरह से बैठाता है कि जैसे लगेगा कि कोई थक हार कर सोया हुआ है, सो कर ही सफ़र कर रहा है। उसके बाद जो शिव पटेल होता है गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को इतनी दूरी पर ले जाता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है, वहीं पर एक नदी भी होता है, छोटा सा नाला। उसी नाले में जो शंकर की डेड बॉडी होती है उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद वो अपनी प्रेमिका भावना को फ़ोन करता है। भावना को फ़ोन करके कहता है कि काम हो चुका है, अब तुम टेंशन मत लो। दोस्तों उसके बाद जो शिव पटेल होता है सीधे अपने उस जगह पर चला जाता है जहां वो काम कर रहा होता है, जहां उसका बिजनेस होता है। दोस्तों यह सब पूरी कांड सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो शिव कुमार होता है वो तो पहले ही अपना जुर्म कबूल कर चुका होता है। उसके बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है पुलिस वाले भावना को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उन दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं और उन दोनों का जो मामला होता है कोर्ट में जाता है। उसके बाद जो जज साहब होते हैं उन दोनों को सजा भी सुना देते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कई औरतें होती है जो चंद पैसों की लालच में आकर अपना घर बर्बाद कर लेती है, अपने पति को धोखा देती है, अपने बच्चों को धोखा देती है, अपने सास ससुर को धोखा देती है। शिव कुमार जो होता है वह अपनी प्रेमिका के चलते तो मर्डर कर देता है, लेकिन उसके मर्डर होने के बाद जो शंकर होता है उसके मर्डर होने के बाद उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उसकी जो बीवी होती है वो जेल चली जाती है, शंकर तो मर चुका होता है। उसका जो पिता होता है वो बिस्तर पर लेटा होता है क्योंकि उनको लकवा मार दिया होता है और उनकी जो माँ होती है वो काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। तो इस तरह से उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है सिर्फ एक औरत की वजह से। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों की इस कहानी के ऊपर क्या राय है अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।